से बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति कार्यक्रम में शामिल होने इटावा पहुंची, जहां उन्होंने बिहार में हुई जातिगत जनगणना को लेकर टिप्पणी की है। साथ ही विपक्षी गठबंधन की ओर से की जा रही जातिगत जनगणना की मांग पर भी निशाना साधा है। और उन्होंने कहा कि हमें गरीबी को दूर करना है। जातिगत जनगणना पर भी बीजेपी सांसद ने टिप्पणी की है, बिहार में जनगणना पारदर्शी तरह से नहीं हुई है, सवाल उठाया, जनगणना की मांग करने वालों की नियत खोट है। कहना चाहती हूँ, मैंने बिहार वालों से बहुत बात की है। देखिए, मैं जाति पर यद्यपि मैं संत हूँ, किसी जाति पर विश्वास नहीं करती और ना मोदी जी करते। मोदी जी ने कहा गरीबों की एक जाति गरीबी, जब तक गरीबी गरीबों की गरीबी दूर नहीं होगी तो हम देश को विकसित कैसे कर सकते हैं। तो अब जैसे सपोज मान लीजिए वहाँ निषादों की जनगणना की, तो किसी को मल्लाह की सूची में डाल दिया, किसी को सैनिक की सूची में डाल दिया, किसी को किसी सूची में डाल दिया। यदि सबको सामूहिक रूप से गिनती करते तो समझ में आता कि वहाँ कितने लोग हैं, अर्थात वहाँ जातियों जो एक समाज है उनको भी बांटने का कुछ अर्थ करना चाहे। तो मैं ये सिर्फ इतना भी दिखावा के लिए किया गया, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हुआ है उसमें कोई पारदर्शिता नहीं हुई है। यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे स्पष्ट कहा है गरीबी सबसे बड़ी जाति है जिसको आगे आने के लिए देश की सरकार कर रही है जातीय जनगणना, इसलिए मांग जो कर रहे हैं उनकी नियत में ही खोट है। और आईपीएस के अध्यक्ष मायावती